अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान सईद है और मैं आपको HTML सीरीज़ के सबसे पहले ट्यूटोरियल में खुश आमदीद कहता हूँ। HTML का सबसे पहला ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब जिस वक्त आप इस ट्यूटोरियल सीरीज़ को एंड करेंगे तो आप इतने एडवांस हो गए होंगे वेब डिज़ाइनिंग के अंदर कि आप अपनी मर्ज़ी की छोटी मोटी सी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते होंगे और आपको HTML में खासे गिरफ्त आपकी आ गई होगी और HTML लैंग्वेज की अच्छी बड़ी समझ बूझ आपको होगी। HTML लैंग्वेज के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिल्कुल नहीं है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। जिस मार्कअप लैंग्वेज हमारे पास वो लैंग्वेजेस होते हैं जिसके अंदर हमारे पास मार्कअप टैग्स यूज़ किए हुए होते हैं। मार्कअप टैग्स क्या होते हैं, ये जिस टाइम हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे उस टाइम मैं इन टर्म्स को खासे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। अभी सबसे पहले हम एक एडिटर को डाउनलोड करेंगे जिसको हम यूज़ करेंगे सीरीज़ के अंदर। आप google.com पर जाएँ और यहाँ पर आप नोट पैड प्लस प्लस टाइप करें। आप विंडोज़ में पहले से इंस्टॉल हुआ हुआ नोट पैड भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं नोट पैड प्लस प्लस को यूज़ करूँगा, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप डाउनलोड पर क्लिक करें, यहाँ पर डाउनलोड करंट वर्जन में जाएं और इस वक्त तो लेटेस्ट वर्जन 5.9.2 है जिस वक्त मैं ये ट्यूटोरियल बना रहा हूँ। आपके पास कोई भी लेटेस्ट वर्जन आ रहा है आप उसको क्लिक करें। मेरे पास ये ऑलरेडी डाउनलोड और इंस्टॉल हुआ हुआ है इसलिए मैं इसको डाउनलोड इंस्टॉल नहीं करूँगा। आप इसको डाउनलोड और इंस्टॉल करें यहाँ से। इसकी इंस्टॉलेशन काफ़ी आसान है जैसे कि हम आम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। इसकी साइज़ भी काफ़ी छोटी है, नोट पैड प्लस प्लस की साइज़ 5.7 MB है सिर्फ, और ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल फ्री है। आप इसको इंस्टॉल करें और इसके इंस्टॉल करने के बाद आप नेक्स्ट ट्यूटोरियल देख सकते हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक अल्लाह हाफिज़।